एरामैक्स अकाउंट डैशबोर्ड पैनल रजिस्ट्रेशन, इसका लाइव डेमो आपको इस वीडियो में मिलेगा। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहां पे हम ऑनलाइन सेलिंग के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, व्हाट्सएप, इवन फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे ऑनलाइन सेलिंग के टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, डेमोस, पॉलिसी चेंजेस, इन एडिशन इवन उनके स्टेटस, न्यूज़, अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस, ये सब लेके आते हैं। साथ साथ में पर्सनल और ई कॉमर्स के लिए शिपमेंट, डिलीवरी, पार्सल, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग सॉल्यूशंस लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, वो दबाने पे सफ़ेद हो जाएगा। बाजू में बेल नोटिफिकेशंस को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल से मिस ना कर सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक आपको एरामैक्स अकाउंट के डैशबोर्ड पैनल के रजिस्ट्रेशन का लाइव डेमो मिलेगा, तो बने रहना, बीच में स्टॉप मत दबाना। स्टॉप दबा दोगे तो आप मिस कर लोगे तो आप सीख नहीं सकोगे। सीखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो नीचे थम्सअप का लाइक बटन दबा देना, उससे दबाने से दूसरों को ये वीडियो पहुँचने में हेल्प हो जाएगी यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक। तो मेरा टारगेट है कम से कम 300 लाइक्स इस वीडियो को मिले। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एरामैक्स डैशबोर्ड अकाउंट रजिस्ट्रेशन का लाइव डेमो लैपटॉप पे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वापस इस चैनल और इस वीडियो पे, एरामैक्स अकाउंट डैशबोर्ड पैनल रजिस्ट्रेशन के लाइव डेमो पे। तो मैं आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा कि किस तरह से आपको क्या क्या कहाँ पे भरने का है। पहले आपको aramex.com/in/en, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देखना ना भूलना। उसके बाद आपको वेब पेज पे आने के बाद आपको जो कंट्री का ऑप्शन है उसमें आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड नहीं हो तो इसमें आप कंट्री का नाम टाइप करोगे, आई इंडिया है तो आपको उसको मिलेगा, उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर देना तो इंडिया के स्पेसिफिक पेज आपको मिलेगा। उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा टॉप राइट में, लैंग्वेज के नीचे, इंग्लिश के नीचे, उसको क्लिक कर दीजिए। तो अगर मैं आप रिज्यूम करूँ कि आपका अपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है और आपको सीखना है कि कैसे लॉगिन रजिस्टर करने का, तो नीचे लॉगिन के नीचे एक ऑप्शन आएगा न्यू टू एरामैक्स, उसमें क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दो अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब आप पर्सनल कूरियर बेचने का है, अगर आपको कोई बिजनेस के लिए नहीं है, ई कॉमर्स के लिए नहीं है तो पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको टैक्स कट एडवांटेज नहीं मिलेगा और प्राइस भी शायद ज़्यादा रहेंगे, जनरली प्राइस ज़्यादा रहेंगे। सेकेंड आता है बिजनेस अकाउंट। तो अगर आपको पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है तो ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री, पोस्टल स्टेट, मोबाइल नंबर और नीचे वेरिफिकेशन कोड, जो सिक्योरिटी कोड होता है उसको सबमिट करके कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस। और अगर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है तो उसको क्लिक कर दीजिए, वो लाल हो जाएगा। उसमें कंपनी, उसमें आपको सबसे पहले कंपनी इंफॉर्मेशन भरने के लिए कंपनी का लीगल नेम, कंपनी का ट्रेडिंग नेम, वो कंपल्सरी वो भरना है। डू यू हैव एन अनदर अकाउंट विद एरामैक्स, अगर नहीं तो नहीं, यस टू हैस, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस, ये कंपलसरी है। बाकी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये कंपलसरी नहीं है। एक सर्वे क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट एरामैक्स, तो उसमें से सिलेक्ट करने का वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सर्च, अमेजॉन मार्केट प्लेस, उसको सिलेक्ट करके नीचे टैक्स वैट एग्जेम्पशन है क्या नहीं, उसको यस और नो सिलेक्ट करके नेक्स्ट दबाना है। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के नेक्स्ट सेक्शन पे कंपनी का एड्रेस डिटेल्स भरने हैं, जिसमें आप स्क्रॉल अप करके देखोगे तो आपको पता पड़ेगा आप कंट्री, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, स्ट्रीट, फ़ोन नंबर, वो फिल करने के नेक्स्ट दबाने का है। नेक्स्ट आएगा तो आप बिलिंग कॉन्टैक्ट के इंफॉर्मेशन भरना है, तो उसमें आके आपको बिलिंग के लिए जो बिलिंग का टाइटल, जो कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, विद इट सेम एज कंपनी, जो पहला एड्रेस बना था उसके साथ सेम है क्या नहीं, कंट्री, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, स्ट्रीट, वो करके आपको नेक्स्ट पैन है। नेक्स्ट आएगा रेफरेंस, में दो लोगों का आपको रेफरेंस देने का है जो आपके कंपनी के नज़दीक हो या जिनको आपसे क्रेडिट मिला हो, तो उसका, उसके कंपनी का नाम, उसका पर्सन का नाम, उसके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, वैसे दो पर्सन कम से कम आपको रेफरेंस के लिए देने हैं। और फाइनली डॉक्यूमेंट्स के लिए सेक्शन आ जाता है भरने के लिए, उसमें आपको अपलोड पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है,
वो नेक्स्ट करके आप फाइनली सबमिट करोगे तो आपका रिव्यू के लिए जाएगा और आपका जो कंसर्न मेरा मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी RMX है वो आपको कॉन्टैक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करके आप लॉगिन को आपको डैशबोर्ड मिल सकता है। तो ये था फ्रेंड्स ट्यूटोरियल लाइव डेमो कि RMX इंडिया पे अकाउंट पैनल डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड्स जो ई कॉमर्स या पर्सनल कुरियर में इंटरेस्ट हो उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, वो भी आपके शेयर से खुश हो। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।